हेलो एवरीवन, तो दिवाली के अवसर पे मैं आज आप लोगों के लिए एक मिठाई की रेसिपी लाई हूँ, मलाई चमचम। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और किसी भी ओकेजन के लिए भी परफेक्ट चॉइस है। और इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में इसका प्रोसेस बताया गया है, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सको। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और हाँ, हमारी ओर से आप सबको एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए मलाई चमचम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मलाई चमचम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम चना लिया है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम मैदा मिलाएंगे, करीब 1 टीस्पून। अब मैदे को चने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हथेली की सहायता से हमें इस तरह से मसलते रहना है करीब 5 मिनट तक। तो देखिए चना कितना सॉफ्ट हो गया है पहले से। आप लोगों को 5 मिनट तक ही इसको मसलना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स काट लेंगे और चमचम का शेप देंगे। तो देखिए इसका शेप बिल्कुल रेडी है। अब इसको बॉयल करने के लिए हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। बस इतना ही हमें चाहिए चीनी, इससे ज़्यादा नहीं। और 5 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा। और ये पानी जब उबलने लगे तब हम इसमें चमचम डाल देंगे। तो पानी उबलने तक हमें बस वेट करना है। अब दूसरी ओर हमें गाढ़ा चाशनी बनाना है, जिसके लिए 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी हम कढ़ाई में डालेंगे। और इसके लिए गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक रखिएगा। और ये जो चाशनी है ये ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा, बस चीनी के पिघलने तक आपको वेट करना है। उसके बाद ये चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे 2 इलायची को क्रश करके डाल देंगे। अब दूसरी ओर देखिए पानी बॉयल हो गया है। अब 1-1 चमचम को हम पानी में डालते जाएंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम मत कीजिएगा, ये हाई फ्लेम में ही बनेगा। अब इसके बाद हम इसको ढक देंगे करीब 3 मिनट के लिए। तो दूसरी ओर देखिए गाढ़ा चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 3 मिनट बाद दोबारा चेक करना है। तो देखिए चमचम का साइज पहले से कितना बड़ा हो गया है। तो दोबारा फिर से हम 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, फिर बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा चमचम। एग्जैक्टली इसको 6 से 7 मिनट लगते हैं बनने में, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम में ही होगा, आप बिल्कुल कम मत कीजिएगा फ्लेम को। तो देखिए चमचम हमारा बिल्कुल रेडी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद हम इसको ठंडे गाढ़े चाशनी में डालेंगे, जो चाशनी हम पहले बना के रखे थे। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट है। इसको हमें चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें हमें 1/2 कप चीनी डाल देना है और दोबारा हम इसको मिला लेंगे और इसको और थोड़ा हम गाढ़ा करेंगे। देखिए खीर हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब जो गाढ़ा वाला चाशनी था, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखे थे, उसको हम एक बोल पे डाल देंगे। अब 1-1 चमचम को हमें गाढ़ी चाशनी में डालते जाना है और इसको डुबो के रखना है करीब 5 से 6 घंटे के लिए। और याद रखिएगा चमचम ठंडा होने के बाद ही गाढ़ी चाशनी में डालिएगा, और ये चाशनी में बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो चमचम जो है वो स्टिफ हो जाएगा। अब
5 से 6 घंटे के बाद हम रस में से चमचम को छान के एक प्लेट में रखते जाएंगे। और आपको अगर हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम कोई भी रेसिपीज डालें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो देखिए चमचम कितना सॉफ्ट बना है। अब जो दूध को हम गाढ़ा करके खीर बना के रखे थे उसको हम चमचम पे डाल देंगे। अब इसके ऊपर आप लोग केसर भी डाल सकते हो, यहाँ हमने पिस्ता को डाला है। तो आप लोग इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा दिवाली पे, ये बहुत ही इजीली बन जाता है जैसे कि आप लोग देखे हो वीडियो में, बस थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ता है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपीज़ के साथ।